दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इन 20 सालों में राज्य में सीएम के 10 चेहरे निकलकर सामने आए हैं। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से चल रहे वाद विवाद पर शुक्रवार रात को विराम लग गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अभी कुछ दिन पहले बयान जारी करके हरिद्वार शिव कावड़ को कोरोना की तीसरी लहर के आने के डर से रद्द कर दिया था। अब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या नया मुख्यमंत्री कावड़ पर लगा प्रतिबंध हटाता है या तीरथ सिंह रावत के फैसले पर ही अडिग रहता है। दोस्तों अब तक उत्तराखंड को मिले मुख्यमंत्रियों में से कुछ ऐसे नाम भी हैं जो एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनमें भुवन चंद्र खंडूरी और हरीश रावत का नाम भी शामिल है। वहीं शुक्रवार को तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में नए सीएम के तौर पर सतपाल महाराज, रेखा खंडूरी, पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत के नाम भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों अब देखना यह है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड के इतिहास में सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल बगैर किसी परेशानी के पूरा किया है। दोस्तों बात कर लेते हैं तीरथ सिंह रावत की। तो जब तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वे अपने 115 दिन के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में आ जाएंगे। इस अवधि में उन्होंने इतने विवादित बयान दिए कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर फजीहत हुई थी। दोस्तों तीरथ सिंह रावत के बयानों पर छिड़े विवाद से देश भर में सियासत गर्मा गई थी। सड़क से लेकर संसद तक में बयानों पर उबाल दिखाई दिया था। विपक्षी पार्टियों समेत विभिन्न संगठनों ने भी सीएम के जींस और फिर शॉर्ट्स से संबंधित बयान की जमकर आलोचना की थी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ट्विटर और फेसबुक पर कई दिन तक टॉप ट्रेंड में रहे थे। वही फेसबुक पर भी हैशटैग रिप्ड जींस, रिप्ड पैंट, रिप्ड बॉडी और तीरथ सिंह रावत ट्रेंड में रहा था। वहीं दोस्तों शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रदूषण के मुद्दों की जगह नेताओं का ध्यान महिलाओं के कपड़ों पर है। उन्होंने तीखी टिप्पणी कर कहा था कि महिलाओं के कपड़ों को जज करने का अधिकार नेताओं को किसने दिया। वही समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन, तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत कई हस्तियों ने भी तीरथ सिंह रावत के इस बयान की निंदा की थी। हालांकि दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर किया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुर्सी संभालने के बाद हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि कुंभ 12 साल बाद आता है, अगर इसमें भी इतनी शक्ति होगी तो कैसे चलेगा। कोई आरटीपीसीआर जांच नहीं होगी, जिसे आना है जी भर कर कुंभ में आकर स्नान करे। उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ मेरी पेशी जरूर लगेगी, वह पूछेंगे डांटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंभ के अखाड़ों, व्यापारियों और लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान को लेकर भी काफी खूब चर्चाएं हुई थी। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसे जोखिम भरा कदम करार दिया था। दोस्तों इसके अतिरिक्त मोदी को भगवान भी मानने लगेंगे लोग, यह बयान भी तीरथ सिंह रावत ने दिया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि मोदी का चमत्कार है, राम ने भी समाज का काम किया था तो लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। आने वाले समय में लोग नरेंद्र मोदी को उसी रूप में मानने लगेंगे। जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसकी जय जयकार है, मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हरिद्वार शिव कावड़ पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा या प्रतिबंध पहले की तरह ही लगा रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।